मंकी भैया हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे घर के पास में एक शिव मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। वहां पर हमें एक बहुत बड़ा फ्लैग लगाना है, तो उसके लिए कम से कम उसकी जो हाइट रहेगी 40 फीट। तो 40 फीट लगाने के लिए हमारे सामने बहुत सारी जो कठिनाइयां बोल सकते हैं, मुसीबत है, उसको हमें फेस करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने बहुत अच्छी तैयारी करके रखी है। और अभी मैं बिल्कुल मंदिर के पास आ गया हूँ और आप पूरी वीडियो के साथ बने रहें, तो कैसे लगेगा वहां पर फ्लैग उसको बिल्कुल मिस ना करें। सो गाइस ये हम आ चुके हैं मंदिर के जस्ट सामने और वहां पर फ्लैग लगेगा। उसके लिए हमने एक स्टैंड बना दिया है पहले से ही, और जो हमारे रुद्र भैया हैं वो पहले से ही खड़े हुए हैं वहां पे। इस टास्क में हमारे साथ रहेंगे विशाल जी चौधरी जो बहुत बड़े शिव भक्त है, और मयंक जी पारा सर, और छोटे छोटे हमारे भगवाधारी पिल्ले। इन सबको इतने भक्ति मिली इन्हें कि इनको सबको इधर देखो भैया, इनकी पूंछ दिखाई जाए। ठीक है, देख लिया भैया। ये राहुल जी को तो देखते जाइए जी, राहुल जी। और किसी भी काम को शुरू करने के पहले अपने बड़े बुजुर्ग साथ में रहें। दादाजी आशीर्वाद तो दे दीजिए। ठीक है, बस ये आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बढ़िया ना, बस भोलेनाथ बैठे हैं, उनके आशीर्वाद है सब। ठीक, तो चलते हैं मंदिर के ऊपर और टास्क स्टार्ट करते अपना। तो दोस्तों ऊपर आ चुके हैं और ये जो पाइप दिख रहा है आपको, इसमें खड़ा होगा 40 फीट का फ्लैग। ये हमने कल इसकी तैयारी करी थी, इसको कलर किया, इसको बफिंग किया, फिर इसके आगे हमने जो स्टील का पाइप है, स्टील का पाइप भी लगाया है। और अभी इसको थोड़ा सा मतलब हिलेना ऊपर हवा में जाकर, उसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। थक गया। ओ कैच भी आता है यार इनका तो। बाय। लगभग सब कुछ रेडी हो गया है और भाई लोग भी आ चुके हैं बहुत सारे इसे खड़ा करने के लिए। और दोस्तों ये हमारी कड़ी मेहनत के बाद रोज लग चुका है, अब इसे बस ऊपर टांगने की देरी है। तरीके से चढ़ रहे हैं भैया। सबसे मुश्किल काम बचा है ये जो पाइप है, इसको इसके अंदर डालना है। और ये पाइप की हाइट आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। अब ये ऊपर जाएगी तो इतना मतलब इतना ताकत लगेगी। और हम लोग है मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 लोग हैं हम लोग सिर्फ।
लग चुका है बोर्ड के लिए, एक इधर इस कॉर्नर लिया है, एक वहां लिया है और एक गुम्बद ऊपर जाएगा। तो दोस्तों फाइनली काम खत्म हो चुका है और ये हमारे शिव भक्त परिवार और इनसे अभी मिलके देखिए कितने खुश हो रहे हैं सबके साथ। ये देखो ये हमारे रुद्र भैया, सबसे ज्यादा मेहनत इनने करी थी, मतलब मेहनत सबने करी है लेकिन कोई बात नहीं यार। कहाँ पे दिख रहे हैं? सामने।